अब MSMEs को लोन मिले कुछ ही मिनट्स में। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसे आखिर कहाँ से लाऊं? पुराना स्टॉक खत्म हो गया, अब नए माल के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? होलसेलर का उधार चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अब एक MSME होकर पैसों के इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि MSMEs की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का फंड पास जो कर दिया है। क्या आपको इसके बारे में पता नहीं? अरे कोई बात नहीं, आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आज का ये वीडियो इन लोन्स के बारे में ही है। पर मैं आपको लोन्स के बारे में पूरी जानकारी दूं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि MSMEs के फायदे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपके पास सही टाइम पर पहुंचती रहे। MSMEs की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने फंड तो पास किया है, पर ये लोन किसे और कितना मिल सकता है ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने एक बार सेट किया है, जिसके अंतर्गत वो उन्हीं MSMEs को लोन देगी जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपीस तक का है। और साथ ही साथ इस लोन को अवेल करने के लिए एक और कंडीशन जो गवर्नमेंट ने रखी है वो ये है कि बिजनेस का सालाना टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ तक होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा बिक्री हो तो आप इस लोन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। पर इस लोन की जो बेस्ट चीज है वो ये है कि इस लोन को लेने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक एलिजिबल MSME हैं, तो आप कितना भी लोन डिमांड कर सकते हैं, और आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग उतने पैसे फंडेड अमाउंट से दिए जाएंगे। अब अगर बात इस लोन को पे ऑफ करने की कर लें, तो इसको रीपे करने की डेट आपके इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद शुरू होती है। मतलब आपको 1 साल के अंदर अंदर अमाउंट वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इस लोन की मैक्सिमम लाइफ होती है 4 इयर्स, यानी कि 4 साल। तो अब बात लोन लेने की हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट के बारे में चर्चा करना तो स्वाभाविक है। MSMEs के लिए जो लोन इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो 9.5% से 15% के बीच में होते हैं। पर इन लोन्स में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको लोन लेने की डेट से ही पे करना होगा, जिसमें 1 साल वाला बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा। लास्ट में बात कर लेते हैं उन सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको लोन लेने के लिए यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न स्लिप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ID और एड्रेस प्रूफ, और बाकी डॉक्यूमेंट्स डिफर करेंगे बैंक टू बैंक। तो ये थी वो सारी चीजें जो कि एक MSME को लोन के बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर आपको भी लोन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई MSME अपडेट के साथ।